गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर फिफ्थ, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। आज जो फंक्शंस हमारे पास हैं वो बिल्कुल न्यू फंक्शंस रहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के जो फार्मूले रहते हैं डिफरेंशिएशन के, वो क्या रहेंगे? फर्स्ट फार्मूला हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ ई रेज्ड पावर, ई की बजाय आप एक्स लिखो, यहाँ पे ई भी हम कराएंगे, पहले ए से जनरलाइजेशन कर लेते हैं, ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो ए कोई भी कॉन्स्टेंट है, पावर एक्स है। तो डेरिवेटिव किस तरह से होता है स्टूडेंट्स? थ्री स्टेप्स इसमें आते हैं, थ्री स्टेप्स। अगर आपने वो थ्री स्टेप्स याद रखे भी, हाँ ये दिस वन, तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे। फर्स्ट जो स्टेप है वो ये, हमने एज इट इज लिखना है, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमने इसको यूं का यूं लिख देना है। ठीक है, ए रेज टू पावर एक्स फर्स्ट स्टेप हो गया, डॉट। सेकेंड स्टेप क्या है? लॉगरिथम ऑफ द बेस, लॉग ऑफ द बेस, बेस क्या है हमारा ए, तो लॉग ऑफ ए, डॉट सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप इज की डेरिवेटिव ऑफ द पावर, तो d बाय डी एक्स ऑफ x, वो तो बाई चांस में x है और आपको पता है ये वन हो जाएगा, तो फार्मूला हमारा जो है d बाय डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x, वो क्या बन गया? a रेज टू पावर x डॉट log ऑफ a। ठीक है, पर हमें ये नहीं भूलना कि डॉट डेरिवेटिव ऑफ द पावर भी होना था, वो इस केस में वन हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड केस हम लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x, इसका क्या हो जाएगा e रेज टू पावर x का? तो फर्स्ट हम स्टेप हमारा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज हम लिखेंगे। ठीक है, देन डेरिवेटिव log ऑफ द बेस, एक मिनट के लिए चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, log ऑफ द बेस, बेस क्या है e। ठीक है, बेस क्या है हमारा e। अच्छा ये स्टूडेंट्स मुझे ध्यान नहीं रहा लास्ट उसमें बताना कि जो ये लॉगरिथमिक फंक्शन, जो ये लॉग लिखा होता है लॉग ऑफ ई, और लॉगरिथम का यहाँ बेस नहीं लिखा होता है, तो वो हमारा नेचुरल लॉग होता है, दैट इज अंडरस्टूड है कि वो क्या होता है ई। ठीक है ना, जब भी लॉगरिथम देखो इस टाइप से लिखा हुआ है, भाई लॉगरिथम ऑफ ए एट द बेस बी, कुछ बी बेस मेंशन है तो वो रहेगा, अगर मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है, वो बेस क्या रहता है ई रहता है। ठीक है, डॉट, हाँ जी, लॉग ऑफ बेस हो गया, डॉट डेरिवेटिव ऑफ द पावर, अब डेरिवेटिव ऑफ द पावर वो एक्स है हमारा, इस केस में एक्स है, सब में एक्स नहीं होता, तो फाइनली हमारा ये क्या बना, ई की पावर एक्स, क्योंकि ये क्या हो गया वन, मैंने आपको बताया कि बेस और ये सेम हो जाए तो वन, तो जब भी बेस यहाँ पे ई होगा, ई रेज टू पावर एक्स है ना कॉन्स्टेंट, अगर ई है यहाँ पे तो ये वाली टर्म भी वन हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव भी क्या हो गया वन, तो यही हमारा फार्मूला बन गया। तो देखो कितना ईजी फार्मूला बना है ई की पावर एक्स का स्टूडेंट्स, कि ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक लॉगरिथम का बताने से पहले एक दो क्वेश्चन देखो हम देख लेते हैं यहीं पे साथ में ही। हाँ जी, जैसे डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर फोर एक्स, अगर हमें ये निकालना है तो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, एक बार तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, देन लॉग ऑफ द बेस, वो क्या है हमारा ई, वो वन हो जाएगा। ठीक है, ई के केस में उसको लिखेंगे ही नहीं, बट डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स, दैट इज क्या होता है डेरिवेटिव फोर एक्स, ये तो हम कर चुके हैं पहले भी एल्जेब्रिक फंक्शंस का, फोर आ जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा वन, तो उस फोर को हम आगे लिख देंगे और ये हमारा बन गया फोर डॉट ई रेज टू पावर फोर एक्स। सिमिलरली अगर हमारे पास ये है ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर फोर, तो ये एक्स रेज टू पावर फोर है, तो ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक बार तो हम इसको एज इज लिखेंगे, ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर फोर डॉट लॉग ऑफ द बेस, दैट इज वन हो जाएगा। ठीक है, और x रेज टू पावर 4 का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 4, और x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x रेज टू पावर 3, और इसको हम एज इट इज लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टैकल करेंगे जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। अब हम आ जाते हैं अपने डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस पे, लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव ये इससे भी ईजी रहेगा हमारा। हाँ जी, d बाय डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ log x, logarithmic फंक्शन x, अब इसका बेस नहीं लिखा हुआ कुछ तो अंडरस्टूड है e है, तो e बेस के लिए हम ये फार्मूला कर रहे हैं। हाँ जी, तो logarithm क्या होगा कि logarithm यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है आप उसका reciprocal कर दोगे, उसको उल्टा करके लिख दो 1 by x। ठीक है, यहाँ x था तो हमने क्या लिख दिया 1 by डिनोमिनेटर में उसको हम लिख देंगे, और देन डेरीवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी दैट फंक्शन जो भी है यहाँ पे, और इस केस में वो क्या हो जाएगा वन, तो फार्मूला सीधा हमारा क्या बन गया 1 बाय एक्स, ये तो वन हो गया ना। ठीक है, तो लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव वो क्या हो गया 1 बाय एक्स, कितना इजी है ये भी। अब जैसे मैं आप एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ
एक्स रेज टू पावर 5, मैंने इसका डेरिवेटिव करना है एक्स रेज टू पावर 5। वैसे इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी लग सकती है, पावर आगे आ गई, चलो हम इसको एज इट इज डेरिवेट कर रहे हैं फिलहाल। हाँ जी, लॉगरिथम क्या कहता है, डेरिवेटिव कैसे होना, अभी जो भी यहाँ पे है फंक्शन उसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/x^4। लॉगरिथम को छोड़ दो, जैसे ही डेरिवेटिव होता है ये लॉगरिथम हट जाता है, ठीक है। टैकल हम किसको कर रहे हैं, एक्स की पावर 5 को, उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया 1/x^5, और देन डेरिवेटिव ऑफ दिस, एक बार इसको उल्टा किया और फिर उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और ये डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होता है, 5x^4। और ये डेरिवेटिव हो गया, और ये हमारा है ही डिनोमिनेटर में x^5, तो ये 4 पावर जो है कैंसिल होगी, और ये हमारा फाइनली बचा 5/x। तो इस तरह से हमें लॉगरिथमिक फंक्शन को टैकल करना है, ठीक है। तो अब हम एक पर जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, जो हम इस एक्सरसाइज में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे, वो एक बार देख लो। लॉगरिथम ऑफ m.n विद टू फंक्शंस की अगर प्रोडक्ट है तो लॉगरिथम उसको ओपन करता है log m प्लस log n में, और अगर m बाय n है तो उसको हम करते हैं log m माइनस log n। log ऑफ m रेज टू पावर n है तो ये पावर जो है उठ के आगे आ जाती है, पावर आगे आती है और ये बन जाता है हमारा log ऑफ m। और एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रहेगी, log ऑफ a एट द बेस b अगर है और हमें डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है वो हमने कैसे किया है कि log ऑफ a एट द बेस e हमने किया है, वैसे इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है पर जरूरत नहीं है, हम इसको एट द बेस e लॉगरिथम में चेंज कर लेते हैं, तो इसका क्या बनता है, log ऑफ a डिवाइड बाय लॉगरिथम ऑफ b, और दोनों का जो बेस होता है वो e बन जाता है, ठीक है। लिखो या ना लिखो तो log ऑफ a डिवाइड बाय log ऑफ b। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है हम उसको लेट y इज इक्वल्स टू लेंगे एज यूजुअल, जैसे पीछे क्वेश्चंस में हम करते आए हैं, लेट y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x और डिवाइड बाय sin x। तो हमें साफ पता लग रहा है कि ये हमारी u अपॉन v फॉर्म बनी है, u अपॉन v का डेरिवेटिव, ठीक है, वो हम करने वाले हैं। तो पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, और ये हमारा बन जाएगा log ऑफ d/dx ऑफ y, वो लॉगरिथम फंक्शन डिस्कस कर रहे थे तो बार बार, हाँ जी वो लॉगरिथम ही लिखा गया, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx, एक बार हम इसको एज इट इज लिखते हैं, e रेज टू पावर x और डिवाइड बाय sin x, ठीक है, आप चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अब इसमें देखो ये फार्मूला हमारा लगने वाला है इसमें u अपॉन v का डेरिवेटिव, तो u अपॉन v के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था, क्वेश्चन रूल कि v का हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयर कर देते हैं, फिर हम v को यहाँ पे एस डी लिखते हैं, पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वेयर कर दिया उसको एस डी लिख दिया, एंड डेरिवेटिव ऑफ u माइनस फिर u को एस लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ v, यही होता है ना फार्मूला हमारा, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूले में इसके अकॉर्डिंग हमारा जो v है दैट इज साइन x, तो साइन x का तो हमने क्या किया, स्क्वेयर किया, और यहाँ पे मैंने साइन x को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, और डेरिवेटिव हम किसका करने वाले हैं, e रेज टू पावर x का, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x माइनस, हाँ जी, अब की बार हम e रेज टू पावर x को एज इट इज लिखने वाले हैं, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज साइन x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ओपन करना है और इसका डेरिवेटिव ओपन करना है, बाकी सारा हमारा एज इट इज रहेगा। अब e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हम करके आए हैं, बहुत इजी था ये तो, हाँ जी, e रेज टू पावर x का जो डेरिवेटिव था, चलो पहले हम इनको एज इट इज लेते हैं, ये हमारा साइन x है और e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है, अभी हमने किया e रेज टू पावर x का जो डेरिवेटिव था वही एज इट इज आ जाता है, ठीक है। अब माइनस e रेज टू पावर x डॉट क्यों आया एज इट इज पता है ना, एक बार इसको ऐसे ही लिखना है, देन डेरिवेटिव, बच्चों ऐसे ही किया था हमने तीन स्टेप, एक बार इसको एज इट इज लिखेंगे, देन log ऑफ द बेस दैट इज e एंड डेरिवेटिव ऑफ x, वो क्या बन जाता है 1, ये भी हमारा 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ठीक है। तो फाइनली e की पावर x ही बना था ना हमारा, तो e की पावर x माइनस इसको एज इट इज लिखा, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, आगे आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। बस एक बार हम थोड़ा सेटिंग क्या करेंगे कि देखो टू टर्म्स हैं, यहाँ भी e की रेज टू पावर x है और वहाँ भी e रेज टू पावर x है, तो कॉमन निकाल दिया हमने, ठीक है, तो अंदर हमारा बचा साइन x माइनस कोस x और डिवाइड बाय हमारा वही साइन स्केयर x, तो ये हमारा आंसर आ चुका है बस, ठीक है। तो चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे।
सेकेंड क्वेश्चन है ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई की जो पावर है, कॉन्स्टेंट की जो पावर है, वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चलो जो भी हो, हमें तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसका जो है वो डेरिवेटिव करना है। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, लेट y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x, और हमने सेम स्टेप लिखा है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हमारा एज यूजुअल dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी, ई रेज टू पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एक बार आप चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हाँ जी, तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक बार हमने इसको एज इट इज लिखना है, फर्स्ट स्टेप, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x डॉट, अब लॉगरिथम ऑफ e, वो तो वन हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, लॉग ऑफ e, ठीक है, वो वन हो गया। एंड डेरिवेटिव ऑफ द, किसकी टर्न आती है, पावर की, जो भी यहाँ पे इसकी पावर है, e की पावर, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। अब ये मत सोचना कि पावर रूल लग गए और ये आगे, क्योंकि स्टूडेंट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो इसी टाइप का होता है कि जो बेस होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है और ये हमारी जो पावर होती है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो इसका रूल जो है उससे अलग रहता है, ठीक है। एक बार ये एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ दी पावर, अब हमने इसको तो एज इट इज़ लिखते रहना, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, ये एज इट इज़ चलेगा, और इसका जो डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स, हाँ जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया हमारा, और उसका जो डेरिवेटिव होता है दैट इज़ वन अपॉन, डायरेक्ट फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वन माइनस एक्स स्केयर, ठीक है, एंगल जो होता है, जो भी एंगल है उसका स्केयर, और फिर भी ये फिनिश नहीं होता यहाँ पे, देन हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, और एंगल क्या है, एक्स, एंगल क्या है हमारा, एक्स, तो वो अपने आप वन हो जाना है, बट फिर भी डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, इट मे बी एंगल एक्स ना होता, कुछ और होता है, तो ये स्टेप हमें ध्यान रखना है। तो ये तो वन ही हो गया हमारा, तो फाइनली ये हमारा न्यूमिनेटर में आया है, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, बस सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन थर्ड है, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, तो अब की बार जो पावर है हमारी वो हमारी क्या है, एक्स क्यूब है। तो स्टार्ट किया हमने सॉल्यूशन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं इस एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स, e रेज टू पावर x क्यूब, तो सेम स्टेप्स में हमने लिखा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा बन गया dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी, डेरीवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार मैंने एज डी इसको लिख दिया, e रेज टू पावर x क्यूब, हाँ जी, डेरीवेटिव क्या होगा, वही थ्री स्टेप्स की, एक बार हमने इसको एज डी लिखना, e रेज टू पावर x क्यूब, या फिर यूँ कहो कि जब बेस e होता है तो उस केस में स्टेप थ्री की बजाय टू ही हो जाते हैं, क्योंकि जो बीच वाला स्टेप है log ऑफ e वो तो हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो एक बार ये एज इट इज़, और देन डेरीवेटिव ऑफ दी जो भी इसकी पावर है, और दैट इज x क्यूब, ठीक है, और x क्यूब का डेरीवेटिव क्या होता है, ये हम करके ही आए हैं अभी, देखो ये स्टेप, ये वाली जो टर्म है इसको हम एज इट इज़ लिखते रहेंगे, डॉट, हाँ जी, पावर रूल लगना है, थ्री आगे आ गया और एक पावर कम हो गई, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दी बेस, और बेस क्या है, एक्स, तो उसका डेरिवेटिव वन हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, हम आगे लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वेयर डॉट ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन है, साइन टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो ध्यान से स्टूडेंट्स देखो, जो फंक्शन है ओवरऑल हमारा साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका जो एंगल है अंदर वो हमारा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स का जो एंगल है दैट इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमने क्या करना है ओवरऑल, पहले तो हम साइन से ही स्टार्ट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे, देन एंगल की टर्न आएगी, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे, और फिर से एंगल की टर्न आएगी, तो इसका ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है, तो स्टार्ट किया हमने सॉल्यूशन, लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे रूल के साथ, तो कोई मिस्टेक नहीं होनी है। देखो सबसे पहले, देखो ये तो हमारा बन गया डी वाई बाय डी एक्स, अब डेरिवेटिव हम इसका कर रहे हैं, अब डेरिवेटिव में देखो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले हमारी टर्न आती है साइन की, एक बार इसको एज इट इज़ लिखना है तो लिख भी सकते हो आप, डेरिवेटिव ऑफ किसका करना है हमने, साइन
टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब देखो डेरिवेट, ये एंगल जो मर्जी हो, हमें कोई मैटर नहीं करता कि एंगल क्या है, हमें नहीं पता। साइन फंक्शन है ना विद वन पावर, मतलब पावर रूल लगना नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव हम करेंगे, एंगल को फिलहाल एज इज रखेंगे, देन टर्न आएगी डेरिवेटिव ऑफ द एंगल की, फिर हम देखेंगे कि ये क्या है, अभी हमने नहीं देखना। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, कोस होता है तो कोस लिख दिया, और एंगल तो ऑब्वियसली हम एज इज लिखते हैं एक बार, तो साथ में फंक्शन के साथ तो एंगल डालेंगे ही। और अब हमारी टर्न आई है, देखो साइन का डेरिवेटिव हो चुका है कोस, अब टर्न आई है डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, दैट इज टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे, और ये वाली जो टर्म है वो एज इज चलती रहेगी। ठीक है, कोस जो भी है हम इसको एज इज लिखते रहेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव हमें किसका करना है, टेन इनवर्स का। अब भी हम एंगल को नहीं देखेंगे क्या है, हमारे लिए सिर्फ क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेन इनवर्स। ठीक है, अब टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, फार्मूला होता है स्टूडेंट्स टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का, याद है या भूल चुके हो, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स वो होता है वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वायर, और देन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, जो भी एंगल है यही होता है ना। तो हमारे पास देखो क्या है, वन अपॉन वन प्लस, यहाँ तक तो सेम रहेगा, अब एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है हमारे पास, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो अब हम देखेंगे एंगल क्या है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ही फॉर्मूला होता है ना, वन अपॉन वन प्लस एंगल स्क्वायर डॉट डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, ये तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। अब एब टर्न किसकी है, इसके एंगल की, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी हमें, ठीक है ना। जब साइन का डेरिवेटिव किया, हमने एंगल ही देखा क्या था, साइन का कोस कर दिया और डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, और अब टेन इनवर्स का हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, और फिर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल की टर्न आई है। तो नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, उसमें देखो ये हमारा एज इज लिखा जाना है, कोस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डॉट, इसमें देखो क्या रहेगा, वन प्लस, हाँ जी पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, e रेज टू पावर m और n है, तो इसका मतलब e m डॉट n हो जाएगा ना, e है बेस, a है जो भी मर्जी बेस हो, तो हमारा e रेज टू पावर माइनस एक्स और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दैट इज माइनस 2x बन जाएगा। अब e रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वही हमने 3 स्टेप, लेकिन बेस e है तो 2 ही स्टेप हम उसको लेके चलते हैं, 2 स्टेप, एक बार हमने इसको एज इट इज लिखना, e रेज टू पावर माइनस एक्स और डॉट डेरिवेटिव ऑफ द पावर, और पावर क्या है, माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, कि जो हमारा ये है, ये वाला स्टेप, ये तो एज इट इज चलते रहेंगे, डेरिवेटिव सिर्फ हमने इसका करना है, दैट इज माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का मतलब, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, तो इसका तो डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस वन हो गया, सिर्फ माइनस वन, तो इसका मतलब जो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स है उसके सामने हमने माइनस लगाना है, बाकी सारा एज इट इज आएगा, ये टर्म है और ये टर्म है। ठीक है, तो हम इस टर्म को जो है पहले लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल वाली को, e रेज टू पावर माइनस एक्स, और हमारा न्यूमिनेटर में ये है कोस टेन इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स, और डिवाइड बाय हमारी जो टर्म है वो हमारी है वन प्लस e रेज टू पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन फिफ्थ है स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो फर्स्ट टाइम आया है ये हमारा एक्सरसाइज में, लॉगरिथम फंक्शन ऑफ कोस ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, और बेस कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि बेस क्या है, ई है। तो स्टार्ट किया हमने क्वेश्चन, लेट वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कोस ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आपने लिख लेना है। हाँ जी, वाई का डेरिवेटिव हमेशा डी वाई बाई डी एक्स ही लिखते हैं, यही आता है इसका। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, चलो एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन भी लिख ही लेते हैं, अब तक हमने कंटिन्यू लिखा ही है हर स्टेप में इस तरह से। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स मैंने आपको कराया था फॉर्मूला, ठीक है, तो x हो या x स्क्वेयर हो या जो भी यहाँ पे होता है, हमने क्या डिसाइड किया था, इसका डेरिवेटिव क्या था स्टूडेंट्स, कि जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसको रेसिप्रोकल करना है, तो 1 बाय जो भी था x स्क्वेयर है, तो 1 बाय x स्क्वेयर और देन डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो भी यहाँ पे है उसका डेरिवेटिव करना है, यही था हमारा। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या कहता है, कि जो भी यहाँ पे फंक्शन है पहले तो उसको रेसिप्रोकल लिख दो, 1 बाय लिख दो, 1 बाय कोस ई रेज टू पावर एक्स, जो भी था, अभी हमने देखा भी नहीं क्या है,
जो भी यहाँ पे था हमने वन अपॉन वो लिख दिया. देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, अब इसके डेरिवेटिव की टर्न आएगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? लॉगरिथमिक फंक्शन की डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं. तो वन अपॉन कोस ई रेज टू पावर एक्स और देन डेरिवेटिव ऑफ कोस ई रेज टू पावर एक्स. अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इस स्टेप को तो हम एज इट इज ही लिखते रहेंगे हर बारी. वन अपॉन कोस ई रेज टू पावर एक्स डॉट, हाँ जी, कोस का डेरिवेटिव. अब भी हमें यहाँ एंगल पे नहीं जाना कि एंगल क्या है, हम देखेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस. और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन. ठीक है ना, क्या होता है माइनस साइन. एंगल को हम एज इट इज लिखेंगे टी रेशो के साथ. ठीक है, और देन अब कोस का साइन हो चुका है माइनस साइन, अब टर्न किसकी आई, एंगल की. तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, इसको ब्रैकेट डाल दो क्योंकि प्रोडक्ट में चल रहा है सारा. ठीक है, अब e रेज टू पावर x की टर्न आई है और हमें पता है कि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव तो क्या होता है, e रेज टू पावर x ही होता है, एज इट इज आता है ना. ये e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही आ जाएगा ना, क्योंकि x का तो क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा. तो फाइनली हम आंसर लिखने वाले हैं, ऊपर एक तो माइनस है, एक e रेज टू पावर x है वो हमने आगे लिख दिया. फिर हम लिखेंगे अपना ये फंक्शन साइन फंक्शन जो है साइन e रेज टू पावर x और डिवाइड बाय हमारा है कोस e रेज टू पावर x, कोस e रेज टू पावर x. ठीक है, वैसे आंसर हमारा ये आ चुका है. ठीक है, पर आप इसको देखो साफ पता लग रहा है कि साइन डिवाइड बाय कोस विद सेम एंगल. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस e रेज टू पावर x था हमारा x डॉट और ये बन गया 10 e रेज टू पावर x. ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 6 है, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस अप टू सोन चलता जा रहा है प्लस e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5. ठीक है, e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5. तो स्टार्ट किया हमने सॉल्यूशन, इसको चलो मैं यहीं से ले लेती हूँ. लेट y इज इक्वल्स टू, मैंने फंक्शन को नेमिंग कर ली है एंड हम सेम लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का डेरिवेटिव एज इट इज हम लिखते हैं dy वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 5. ठीक है, अब डेरिवेटिव देखो, आपको पता ही है स्टूडेंट्स की डेरिवेटिव इसका अलग से प्लस में चला जाता है ना, डेरिवेटिव तो सबका अलग अलग से हो जाएगा. तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5. ठीक है, और ये कितना ईजी है देखो, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार इसको एज इट इज लिखेंगे और देन डेरिवेटिव ऑफ द पावर, और पावर का डेरिवेटिव क्या है x. देखो e बेस है तो टू स्टेप होते हैं ना, कि एक बार इसको एज इट इज लिखते हैं और बीच वाला जो स्टेप होता है log ऑफ e वो तो 1 बन जाता है और डेरिवेटिव ऑफ द पावर प्लस सेम इसमें लिखेंगे, एक बार हमने इसको एज इट इज लिख दिया e रेज टू पावर x स्क्वायर डॉट डेरिवेटिव ऑफ द पावर दैट इज एक्स स्क्वेयर. ठीक है, प्लस डैश 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 करेंगे, हाँ जी, इसमें एक बार हम इसको एज इट इज लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सेम जैसे पीछे किया है, और डेरिवेटिव ऑफ द पावर दैट इज एक्स रेज टू पावर 5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो ये इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. देखो लिख लेते हैं हम, ई रेज टू पावर एक्स डॉट 1 हो गया प्लस ये हमने एज इट इज लिखा ई एक्स स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 2x और पावर रूल लगे ना, 2 आगे आ गया एक पावर कम होगी, और डेरिवेटिव ऑफ द बेस दैट इज x, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस डैश डैश करेंगे प्लस e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5, हाँ जी, x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होएगा, पावर रूल लगे है, पावर आगे आ गई और एक पावर हमारी कम हो चुकी है, देन डेरिवेटिव ऑफ द बेस दैट इज x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1. ठीक है, तो आंसर हमारा आ चुका है. इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम, कैसे भी ये हमारा बना है फाइनली e रेज टू पावर x प्लस इसमें हम 2x को आगे लिख देते हैं 2x और e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, हाँ जी, इसमें ये हमारा जो 5x रेज टू पावर 4 है ये हमने आगे लिख दिया और e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5. ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है, इजी है ना क्वेश्चन. क्वेश्चन 7 है स्टूडेंट्स, e रेज टू पावर रूट एक्स और इस पूरे की जो पावर है वो अगेन रूट है. ठीक है ना, देखो e की पावर क्या है रूट एक्स और जो ये पूरा फंक्शन बन चुका है ये वाला, ठीक है, इस पूरे की पावर क्या है रूट एक्स है. तो स्टार्ट किया हमने सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर रूट एक्स रेज टू पावर रूट एक्स पूरे फंक्शन की. ठीक है, तो सेम स्टेप्स में हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी एक बार मैं इसको लिख लेती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी हमारा फंक्शन है ई रेज टू पावर एक्स, और ये जो पावर है ऊपर रूट टू, इसका मतलब क्या हुआ, पावर वन बाय टू, यही मतलब हुआ ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाय टू, तो फंक्शन मैंने लिखा ई रेज टू पावर एक्स और उसकी जो होल पावर है दैट इज़ रूट टू, वन बाय टू, तो डिफ्रेंशिएट करो, अब जो भी अंदर फंक्शन है, जो भी है, हमें नहीं पता क्या है अंदर, पावर है ना उसकी बाहर, जो भी फंक्शन है उसकी पावर है ओवरऑल, तो पावर है तो हमारा क्या लगता है, पावर रूल लगता है, ठीक है, तो पावर रूल क्या कहता है कि पावर उठ के जो है आगे आ जाएगी, तो वन बाई टू हमारा आगे आ गया, ठीक है, और एक पावर जो है फंक्शन की कम हो जाएगी, तो ई रेज टू पावर रूट एक्स जो भी ये फंक्शन है इसकी एक पावर कम हो जाएगी, मतलब अभी ये वन बाई टू है तो माइनस वन उसमें से एक कम हो गई, देन डेरीवेटिव ऑफ दी, हाँ जी किसकी टर्न आएगी, देखो पावर रूल, पावर उठ के आ गया एक पावर कम होगी, देन डेरीवेटिव ऑफ दी बेस, और बेस क्या है हमारा, जो भी ये फंक्शन है और क्या है, ई रेज टू पावर रूट एक्स, ठीक है, अब इसकी टर्न आई ई रेज टू पावर रूट एक्स की, अब हम ये एज इट इज लिखेंगे ये पावर सोल्व करके और इसका जो है डेरीवेटिव करेंगे, इज इक्वल्स टू वन बाय टू, हाँ जी ई रेज टू पावर रूट एक्स, हाँ जी वन बाय टू पॉजिटिव माइनस वन है तो माइनस हाफ रह गया ये माइनस वन बाय टू डॉट, अब ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार हम इसको एज इज लिखने वाले हैं ई रेज टू पावर रूट एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ द पावर, और पावर क्या है रूट एक्स, ठीक है पावर क्या है रूट एक्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये एज इट इज ये इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, माइनस हाफ पावर है प्लस हाफ हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं, तो देखो ये कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल्स टू वन बाय टू, हाँ जी ये इसको हम डिनोमिनेटर में डाल देंगे टू के साथ ही, हम यहाँ लिख लेते हैं वन बाय टू ई रेज टू पावर रूट एक्स की पावर जो है पॉजिटिव वन बाय टू हो जाएगी, प्लस वन बाय टू हो गई, ठीक है डॉट, ये हमने एज इट इज लिखना है, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं ई रेज टू पावर रूट एक्स, ये हमने यहाँ लिख दिया ऊपर न्यूमिनेटर में, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है ये हमारा कई बार आ चुका है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, हम इसको दो तीन बार सोल्व कर चुके हैं पहले, कि ये हमेशा हमारा क्या होता है वन बाय टू रूट एक्स, तो वन बाय टू रूट एक्स, तो आंसर आ चुका है हमारा, बस इसको फाइनली हम करेंगे भी, हमने आंसर देना कैसे है, हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो न्यूमिनेटर में हमारे पास सिर्फ बचा है ई रेज टू पावर रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में देखो टू टू ये फोर हो गया, ये रूट एक्स है इसको आगे लिख दिया हमने, और देन ये हमने लिखा ई रेज टू पावर रूट एक्स, और पावर हाफ है तो उसको हम ऐसे रूट में देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर एट है स्टूडेंट्स, लॉगरिथम ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, तो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू वन ग्रेटर देन वन, वन से ग्रेटर होनी चाहिए, ये हम वहाँ पे जो हमने इंट्रो पार्ट किया था इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का, वहाँ पे भी हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, हाँ जी लेट वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन में बिल्कुल भी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखो हमें पहले ये वाला लॉगरिथम की को देखना है और इसको हमने छिपा देना है, अभी हमें नहीं पता ये क्या फंक्शन है, इस लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है कि जहाँ जो भी यहाँ फंक्शन है पहले हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे जो भी फंक्शन है, ठीक है, अब वो भी बाय चांस लॉगरिथमिक फंक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन अपॉन हमने इसका क्या किया रेसिप्रोकल वन अपॉन लॉग एक्स, ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं इस, तो इसके लिए हमने क्या किया इस फंक्शन का रेसिप्रोकल किया और देन डेरिवेटिव ऑफ दिस, और ये क्या है लॉग ऑफ एक्स, क्लियर है ये स्टेप, ठीक है, सिर्फ हमने इसका भी डेरिवेटिव किया वन बाय ये जो फंक्शन था रेसिप्रोकल हो गया और इसका फिर डेरिवेटिव, अब हमने ये तो एज इट इज लिखते रहना है वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स, ये हमारा एज इट इज चलेगा और डेरिवेटिव हमने किसका करना है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कि जो भी यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे वन बाय एक्स और देन डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज एक्स, उसका डेरिवेटिव वन ही हो जाना है, ठीक है ना, तो ये डेरिवेटिव हमारा क्या बन चुका है वन बन चुका है, तो फाइनली आंसर हमारा देखो ये तो वन ही हो गया, तो न्यूमिनेटर में सिर्फ वन है और डिनोमिनेटर में एक्स और लॉग एक्स, तो उसको इस तरह से लिखेंगे एक्स डॉट, हाँ जी एक्स डॉट लॉग एक्स, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका, बहुत ही छोटे छोटे से और बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये।
क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट cos x डिवाइड बाय log x वेयर x इज ग्रेटर देन 0. तो स्टार्ट किया हमने, लेट y इज इक्वल्स टू जो भी हमारा फंक्शन था, और फंक्शन देख के साफ पता लग रहा है हमारा किस टाइप का फंक्शन है, u अपॉन v डेरिवेटिव. ठीक है, तो पहले हमने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हमारा बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी अब हम इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्या था कि u अपॉन v का जब डेरिवेटिव होता है तो जो डिनोमिनेटर होता है v उसका स्क्वेयर हो जाता है, और फिर हम यहाँ पे v को एज इट इज लिखते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ u माइनस फिर u को एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v, यही हमारा फार्मूला होता है. तो सेम स्टेप्स में हमने फार्मूला लगाया, log ऑफ x जो हमारा फंक्शन है डिनोमिनेटर में वो है हमारा log ऑफ x, तो log ऑफ x का स्क्वेयर हो जाएगा, और जो हमने जिसका स्केयर किया उसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे. ठीक है, log x एज इट इज लिखा गया, और डेरिवेटिव किसका होना है, cos x का. तो मैंने लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ cos x, फिर माइनस का साइन आएगा, और अब की बार हम जो है cos x को एज इट इज रखने वाले हैं, और डेरिवेटिव किसका आएगा, log ऑफ x का. तो d बाई डी एक्स ऑफ log x, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने किया है कि डिनोमिनेटर का हमने स्केयर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा है, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस फिर ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखा है, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, हमने जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज हम लिखेंगे log ऑफ x का स्केयर. थोड़ा बड़ा सा हो गया लेकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज लिखा जाना, ये भी एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ cos x का डेरिवेटिव करना है दैट इज माइनस साइन x, ये एज इट इज लिखेंगे log x का डेरिवेटिव करना है दैट इज 1/x. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं है. तो स्टार्ट किया हमने, ये लिखा log ऑफ x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x. ठीक है, माइनस साइन x, तो ब्रैकेट मैंने लगा दी क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे माइनस. अब cos x को हमने एज इट इज लिखना है, और डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल 1/x, और फिर x का डेरिवेटिव दैट इज 1. x का डेरिवेटिव तो क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो फाइनली हमारा ये आ चुका है, देखो ये हमारा आ गया, ये माइनस मैंने आगे लिखा है माइनस ऑफ साइन x देन लॉगरिथमिक फंक्शन log x, ये टर्म हमारी ऐसे, और माइनस ऑफ ये है हमारा cos x डॉट 1/x, और डिवाइड बाय है हमारा log ऑफ x का स्क्वायर, log ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैसे आंसर हमारा आ चुका, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम. देखो इस टर्म के डिनोमिनेटर में x है, और इस टर्म के कुछ नहीं है, तो समझो 1 कंसीडर करके हम LCM लेंगे ऊपर से, और x जो है वो हमारा LCM आ गया है. ठीक है, x LCM आ गया है, और जो x LCM आया है उसको हम कहाँ लिखते हैं, ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे मैंने लिख दिया इसको x डॉट log x का स्क्वायर, और यहाँ वो आपको पता ही मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस x डॉट sin x डॉट log ऑफ x. ठीक है, और माइनस cos ऑफ x. ठीक है, माइनस cos ऑफ x क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो ये ऊपर वाला सीधा जो हमारा LCM था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो फाइनली आंसर हमारा आ चुका है, बस इसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा इसमें माइनस LCM माइनस कॉमन निकाल के आंसर दे देंगे. ठीक है, माइनस मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया, तो टर्म्स बनी है x डॉट साइन x डॉट log ऑफ x और प्लस cos x, और डिवाइड बाय हमारा एज इट इज ये x डॉट log ऑफ x का होल स्क्वायर हो गया. तो ये हमारा आंसर आ चुका है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज का. cos ऑफ एंगल है हमारे पास log x प्लस e रेज टू पावर x. देखो एंगल के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ गया और एक्सपोनेंशियल भी, पर घबराने की कोई बात नहीं, हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले हम cos का डेरिवेटिव कर देंगे माइनस साइन, और फिर हम एंगल का डेरिवेटिव कर देंगे. ठीक है, तो स्टार्ट किया मैंने, लेट y इज इक्वल्स टू जो भी गिवन फंक्शन था, फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हमारा बन गया dy/dx इज इक्वल्स टू, हाँ जी cos का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, माइनस साइन. तो मैंने लिखा माइनस साइन, और एंगल तो हम एज इट इज देंगे साइन को, log ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x डॉट. अब किसकी टर्न आएगी, डेरिवेटिव ऑफ द एंगल. ठीक है ना, cos का साइन हो चुका है और देन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, और एंगल क्या है हमारा log ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x. ये भी स्टैंडर्ड बहुत ईजी है, log x का, और उसका ये हम एज इट इज लिखते रहेंगे
साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ये एच डी चल रहा है, ये साइन फंक्शन है, साथ में एंगल है, डॉट। अब इसका डेरिवेटिव जो है टू टर्म्स है तो ब्रैकेट मैंने लगा दी, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स, और फिर एक्स का क्या हो जाएगा वन, और प्लस ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, तो वन बाय एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, बस यही हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.4 थी जो, वो हमारी फिनिश हो चुकी है, 10 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स उसमें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के साथ। थैंक यू वेरी मच।